अगर आपको पता चला कि नेता नगरी के सत्र में बात होगी दिल्ली पर। दिल्ली में बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक फैसला आया जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि सर्विसेज पर जो एलजी होंगे उन्हें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के की सलाह पर अमल करना पड़ेगा, यानी कि दिल्ली की सरकार जो होगी, जो फिलहाल आम आदमी पार्टी चला रही है, वो अपनी मर्जी से सर्विसेज का हिसाब किताब रख सकती हैं, आईएएस के तबादले कर सकती हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा डेवलपमेंट चल रहा है कि आम आदमी पार्टी जितनी बची हुई है जेल से बाहर, उस पर भी नेताओं के दिन एक एक करके कम होते जा रहे हैं। इनसाइड स्टोरीज आती जा रही हैं कि अब आज ही एक दो दिन पहले की बात है, संजय सिंह के करीबियों के यहाँ छापा पड़ा है। लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के लिए जो नया घर बना है उसकी फाइल भी खुल गई है और जल्द कार्रवाई हो सकती है। तो इन्हीं सारे चीज़ों पर हम जो दिलचस्प इंसाइट्स हैं वो अपने मेहमानों के जानेंगे। तीनों से आपका परिचय करा देते हैं। राजदीप सरदेसाई, राहुल श्रीवास्तव, कुमार कुणाल आपका एडिटर इंडिया टुडे, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। लंबे समय से आपने दिल्ली को कवर किया है और इसीलिए हमने आपको आज तकलीफ भी दी है। सर, हम आपके साथ ही शुरू करना चाहते हैं बातचीत को। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो एक हॉटबेड ऑफ एक्टिविटी बना हुआ है दिल्ली, इसकी एक बेसिक वजह सबको पता है कि अलग अलग पार्टियां, एक केंद्र में जो पार्टी अलग है उनका अलग ये है, एक आम आदमी पार्टी अलग। जिन केसेस की हम बात कर रहे हैं, लगातार नेता अरेस्ट होते जा रहे हैं और जेल में है, तस्वीरें आ रही हैं, अभी सत्येंद्र जैन की भी आई थी, इन केसेस में कितना दम आपको नजर आता है? देखिए, दम है नहीं है ये तो कई सारी चीजें अदालत में तय होती हैं, और जहां तक हम देख पा रहे हैं उसमें जो जांच अभी तक आगे बढ़ी है, कई सारी चीजें सामने आई हैं, कई सारी चीजें सामने नहीं आई हैं, कई सारी चीजें जांच एजेंसियां छुपा करके रखती हैं, दबा करके रखती हैं, समय आने पर अपने पत्ते खोलती हैं, उस पर बहुत ज्यादा कई सारी चीजों को लेकर के टाइमिंग भी मायने रखता है। इसीलिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो टॉप लीडरशिप है पार्टी की, वो पूरी तरीके से अब इस जांच के दायरे में है। आपको पता है कि जहां तक अरविंद केजरीवाल तक से पूछताछ हो गई है, संजय सिंह का नाम गाहे बगाहे आ ही रहा है, उनके करीबियों से पूछताछ की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, उनको ले जाया जा रहा है मुख्यालय, वहां पर भी पूछताछ हो रही है। तो ये एक तरीके से जो अभी संकट है आम आदमी पार्टी पर, मुझे लगता है कि गवर्नेंस तो बाद की बात है, जो अध्यादेश लाया गया या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऊपर कौन रहेगा, सरकार कौन चलाएगा? सत्येंद्र जैन जेल में है, अब वो उनको बेल मिली है, लेकिन वो बेल जो है वो हेल्थ के आधार पर मिली है और उस पे उस बहुत ज्यादा अभी वो एक्टिव होंगे ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता है। मनीष सिसोदिया भी जेल में है और वहां से छुट्टी होगी, ये भी मुश्किल लगता है क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों का केस है अलग अलग, अगर उन दोनों में जमानत मिलती है तब वो छूटेंगे। जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉग है और ये सब कुछ मुझे जो लग रहा है कि 2024 से पहले एक तरीके से चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है, और इसमें वही वाली बात होती है कि क्या दम है नहीं है। तो जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें कई सारी कमियां, कई सारी खामियां निकाली गई, उसकी रिपोर्ट हुई और उसी आधार पर जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जो मनी ट्रेल है, जिसका पैसे कहां से कहां गया, क्या वाकई वो किसी की जेब में गया या चुनावों में हुआ, उस पर बड़ा खुलासा अभी तक कोई भी एजेंसी नहीं कर पाई है या उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अदालत यही पूछेगी कि आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतने सारे लोगों को फायदा आपने पहुंचाया, पैसा गया तो गया कहां, वो कहां लगा, वो तो हमें दिखाइए, वहां पर मामला फंस सकता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, कई जगहों पर प्रक्रिया ही पनिशमेंट हो जाती है, इसमें प्रक्रिया पनिशमेंट है, 360 दिन के बाद हेल्थ ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को जेल से छुट्टी मिली है, जमानत मिली है, अभी भी उनके खिलाफ जो मामला है वो बना हुआ है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें एक पनिशमेंट की तरह है, और मुझे लगता है कि 2024 तक ये शिकंजा और कसेगा, और भी मुश्किल आने वाली है। घर की भी बात आपने की, घर में भी अभी रिपोर्ट आई है चीफ सेक्रेटरी की, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है उसमें तो आपको चौंकाने वाली बात बताऊं कि इसमें मैडम सीएम का नाम है, कि मैडम सीएम ने कई सारी चीजों को मंजूरी दी, फाइल नोटिंग में जो जिक्र है वो मैडम सीएम का है। तो ये तमाम चीजें हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपको एक क्लियर लग रहा है कि एक खास डायरेक्शन में जा रहा है और अरविंद केजरीवाल के गिरमान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते देखते हैं। क्या राजीव जी, हम आपके पास आ रहे हैं कि क्या यही एक वजह है कि अब फाइनली अरविंद केजरीवाल अक्नॉलेज करने लगे हैं कि हर तरफ से अब प्रेशर आ रहा है, सत्यपाल मलिक तो कह भी चुके हैं कि गिरफ्तारी होगी चुनाव से पहले,
कि अरविंद केजरीवाल एक टूर निकालते हैं महाराष्ट्र का, मुंबई में रुकते हैं, और ये इस तरह के इनपुट्स हैं कि शरद पवार से उनकी बैठक भी हुई है, और इस बैठक का प्रोडक्ट बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल फाइनली अब अपने रिश्ते सुधारने को तैयार हो रहे हैं, या कम से कम उसकी गुंजाइश देखी जा रही है कांग्रेस के साथ। आपकी क्या जानकारी है? आप अभी भी मुंबई में ही हैं। देखिए निखिल, कई दिनों से जब से ये ऑर्डिनेंस की बात निकली, अरविंद केजरीवाल एक तरह से बहुत ही बेचैन है कि कितनी ऑपोजिशन की पार्टियां उनको सपोर्ट करेंगी। वो चाहते हैं इसे एक तरह से एक नेशनल इश्यू, एक राष्ट्रीय इश्यू बनाया जाए, केवल दिल्ली तक सीमित नहीं। तो करते क्या है, वो सबको एक तरह से फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको मिलना चाहता हूं। ममता बनर्जी उनसे तुरंत मिल लेती है, ममता बनर्जी उनको समर्थन देती है, उनकी अरविंद केजरीवाल की नीतीश कुमार से लगातार बात होती है, कांग्रेस के लोगों से बात करने की कोशिश होती है, लेकिन कांग्रेस में अभी तक डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग अजय माकन जैसे कह रहे हैं कि क्यों हम अरविंद केजरीवाल की बात अब माने, यही केजरीवाल हमारी पार्टी को खत्म करने में लगे हुए थे। तो कांग्रेस के लिए एक अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई की स्थिति एक तरह से हो गई है, या कांग्रेस अभी तक पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई बैठक नहीं। शरद पवार बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शरद पवार उन व्यक्तियों में हैं जो आप कह सकते हैं नॉर्मली सीधी तरह से मोदी जी को कभी टकराव नहीं देते। आपने अडानी का मामला देखा होगा, वहां भी शरद पवार ने एक अगली एक स्लाइटली डिफरेंट स्टैंड लिया था कि मैं जेपीसी, मुझे लगता है जेपीसी नहीं होनी चाहिए। तो शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो इश्यू बेस्ड एक तरह से सपोर्ट आप कह सकते हैं विपक्ष को करते हैं। तब जब अरविंद केजरीवाल ने उनको फोन किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, शरद पवार तुरंत तैयार हुए। तो उद्धव, पहले तो अरविंद केजरीवाल मंगल के दिन या बुधवार के दिन उद्धव ठाकरे को मिले, उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल तैयार थे पहले से, फिर गुरुवार को शरद पवार को मिलते हैं। अब मिलना तो एक बात होती है, लेकिन जिस तरह से पूरी एनसीपी वहां उनको ग्रीट करने के लिए थी, जब केजरीवाल जी आते हैं तो अजीत पवार, छगन भुजबल और सुनील तत्करे को एक तरह से वहां एक स्वागत पार्टी की तरह रखा गया था कि आप वहां रुकिए, केजरीवाल जी आ रहे हैं, उनको आपको मिलना है। फिर वो आते हैं ऊपर, वहां प्रफुल्ल पटेल होते हैं, वंदना चव्हाण, जितेंद्र आवाड, बाकी एनसीपी के नेता, यानी एनसीपी का पूरा पलटन एक तरह से वहां था। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं वो दिलीप वळसे पाटील, ये वहां उनकी एक ग्रीटिंग पार्टी थी एक तरह से। तो इसको एक इवेंट की तरह बनाया गया। मुझे लगा अगर मिलते भी तो वो बड़े वन ऑन वन मिल जाते और वही मामला सीमित होता। जिस तरह से मिले, ऐसा लगता है एनसीपी अपने आप को अरविंद केजरीवाल को अपने बराबर बराबरी में रख रही थी। एक विपक्ष का नेता मुंबई आ रहा है, हम पूरी धूमधाम से उनका स्वागत करेंगे। और आश्चर्य की बात है कि यही अरविंद केजरीवाल, आपको ध्यान होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उन्होंने शरद पवार का स्विस बैंक अकाउंट रिवील करने की धमकी दी थी कि मैं जानता हूं कि शरद पवार का स्विस बैंक अकाउंट कहाँ है। शरद पवार को उन्होंने टारगेट किया था उन मंत्रियों में जो उन्होंने कहा था। राजदीप सर, मैं अभी 2017 26 जनवरी का ट्वीट देख रहा हूं, उसमें अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि शरद पवार को पद्म विभूषण देने की हिम्मत दिखाने के लिए मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये ट्वीट है 2017 का, कि जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे तब का ये ट्वीट है। तो ये स्थिति थी, इतनी इतनी ज्यादा अदावत थी दोनों के बीच में। आप देखिए 2012-13 के जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन अपने चरम पर था, खास करके 2011-12 में, तो उन्होंने शरद पवार को टारगेट किया था। शरद पवार क्यों मिलते हैं इस तरह से? अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी थे, राघव चड्ढा थे, आतिशी थी, तो उनका भी एक बड़ा काफिला था। पूरा आधा फ्लोर ताज लैंडजेंड का लिया गया था बांद्रा में, जहां अरविंद केजरीवाल और अन्य नेता रह रहे थे आम आदमी पार्टी के, और वो मिले। शरद पवार मुझे लगता है अपने आप को अगले कुछ महीनों के लिए इस तरह से पोजीशन कर रहे हैं, ये पोजीशनिंग है कि मैं वो नेता हूं जहां बाकी सब जो विपक्षी नेता है मेरे घर आएंगे, मुझसे मिलेंगे, और मैं इन सब को एक तरह से एक दिशा दूंगा। तो शरद पवार अपने आप को एक तरह से भीष्म पितामह की तरह कहिए, जो भी अपने आप को एक सीनियर स्टेट्समैन, और अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत तारीफ की कि अगर देश के बड़े नेता हैं उनमें से नंबर वन एक तरह से, या
बहुत आगे नेता अगर हम समझे वो है शरद पवार, तो दोनों के बीच में ये जो लव फेस्ट थी, एक जो प्यार प्यार का जो एक कि एक दूसरे की जो तारीफ कर रहे थे, ये बड़ा आश्चर्यजनक था मेरे लिए। मुझे लगा पवार जी इसे बड़े लो प्रोफाइल तरीके से करेंगे, पर किया नहीं। और यही मुझे लगता है कि शरद पवार एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि मैं अभी भी हूं राजनीति में, पूरी तरह से सक्रिय हूं। ये जो पिछले 2-3 हफ्तों से चल रहा था, जो उन्होंने खुद शुरू किया था कि मैं रिटायर हो रहा हूं, ये सब कुछ नहीं होगा। मैं अरविंद केजरीवाल हो या बाकी नेता हो, इन सबको साथ लेकर चलने की बात करूंगा। और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि इसके बाद ये जो समझने में आता है कि पवार जी चाहते हैं कि सभी नेताओं की अगले पार्लियामेंट सत्र के पहले एक मीटिंग हो, जिसमें दिल्ली ऑर्डिनेंस एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा सभी विपक्षी दलों की, ताकि दबाव बनाया जाए। तो शरद पवार भी अपने आप को ये जो नया फेडरल कॉन्सेप्ट की बात होती है, या विपक्षी दलों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की बात होती है, उसमें वो अग्रसर होना चाहते हैं। और ये मीटिंग जो थी वो एक संकेत है कि मुझे लगता है कि शरद पवार अब सभी विपक्षी नेताओं को एंटरटेन करेंगे, ताकि एक मजबूत विपक्ष एक तरह से बन पाए, जिसमें सवाल ये उठता है क्या कांग्रेस किस तरह से केजरीवाल जी के साथ किस लेवल तक समर्थन देगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने कई, मैं मेरे सूत्रों के अनुसार कई बार राहुल गांधी को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक उनको एक तरह से अपॉइंटमेंट नहीं दिया। अगर आप कहें अपॉइंटमेंट नहीं दिए, सोनिया गांधी भी अभी तक उन्हें मिली नहीं है। हालांकि गुजरात चुनाव के पहले दोनों नेताओं में बातचीत होने के संकेत थे, और इतर अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर दबाव होगा, और शरद पवार शायद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इसी मामले पर बात करने वाले हैं कि कम से कम इस मुद्दे पर इसमें इसमें हमने राजदीप सर केजरी एक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खड़गे साहब राज्यसभा में सदन विपक्ष के नेता भी हैं, और विपक्ष के नेता होने के नाते संजय सिंह से बड़ा अच्छा फ्लोर कोऑर्डिनेशन है, तो वहां पर तो वो आम आदमी पार्टी के साथ टच में रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो एक पब्लिक पोस्चरिंग भी है, और राहुल गांधी जो जहां तक मुझे पता है वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा वो सहमत नहीं है, और बहुत ज्यादा उनसे बातचीत करने के फेवर में नहीं रहते हैं। इसीलिए जब भी गठबंधन की बात हुई थी, चाहे वो 2019 हो या उसके बाद हो, वहां पर राहुल गांधी आकर के एक तरीके से अपना वीटो पावर यूज कर देते हैं। पर कुणाल, यही तो राजनीति बदलती है। 2015 में आपको याद होगा, जब आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई थी दिल्ली में, तो राहुल गांधी ने तो कहा था कि केजरीवाल की तरह हमने होना, ही वॉज उन्होंने कहा केजरीवाल एक तरह से हीरो बन गए। 2013 या 15, एक चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव के बाद, राहुल गांधी ने इसी अरविंद केजरीवाल की मॉडल की प्रशंसा एक तरह से की थी और, कि हमें भी और इसी तरह से कर्नाटक में उसको रेप्लिकेट भी किया। हाँ नहीं, तो यही तो बात है ना, कि देखिए किस तरह से हवा बदलती है। कि शरद पवार, जिसको आप भ्रष्ट कहते हैं, स्विस बैंक अकाउंट आपकी खोलेंगे, उसी शरद पवार के साथ आज केजरीवाल नजर आते हैं। और राहुल गांधी, जो एक समय अरविंद केजरीवाल को एक तरह से कह रहे थे एक रोल मॉडल बन सकते हैं, मैं उसी दिशा में पार्टी को लेकर जाना चाहता हूं, वही राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल जी से नहीं संपर्क करना चाहता, या कम से कम पब्लिकली तो अभी तक देखा नहीं गया है कि राहुल गांधी तैयार है अरविंद केजरीवाल से मिलने। जब कर्नाटक में स्वेरिंग इन होती है, तब अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। तो ये समय समय की बात है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बीच में भी कुछ एक साल पहले जब गोवा का चुनाव हुआ था और टीएमसी लड़ी थी, तब उनमें भी संबंध कुछ एक तरह से ठीक ठाक नहीं थे। केजरीवाल दुखी थे कि ममता बनर्जी गोवा क्यों आ रही है। आज उसी ममता बनर्जी के साथ वो मिले और दोनों कहते हैं हम एक साथ लड़ेंगे। तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जाता सकता, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन पॉलिटिक्स। और अरविंद केजरीवाल, जो इन्हीं नेताओं को एक जमाने में भ्रष्ट कहते थे, आज उनको भी पता चल गया है कि अगर मुझे राजनीति करनी है तो इन्हीं नेताओं के साथ मुझे मिलकर राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरत है। हम राहुल जी आपके पास आना चाहते हैं। आप सुन रहे थे जो अभी बातचीत हो रही थी, उसमें एक वो विपक्षी एकता वाला फिर से एक सवाल आके खड़ा हो जाता है। ये पार्लियामेंट वाले सेशन में भी हमारे पास रिसर्च में था, हमने इसलिए उसको नहीं छेड़ा क्योंकि अभी 24 आने से पहले अब हम 3-4 नेता नगरी में और ये होने ही वाला है।
देखिए निखिल, एक तो ये जो विपक्षी एकता, मैं थोड़ा सा इसको छूना चाहूंगा प्लीज। ये जो विपक्षी एकता है ना, आज के समय में ये एक हाथी है कमरे के अंदर और 5-6 लोग जो हैं जो कि नेत्रविहीन हैं, और वो हाथी को अलग अलग छू रहे हैं, और कोई कहता है कि हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। क्या है कि उसकी परिभाषाएं हर नेता के परिप्रेक्ष्य से बदल रही हैं। आम आदमी पार्टी में लाइक टू डिफाइन इट्स ओन कॉन्टूअर्स ऑफ एन ऑपोजिशन यूनिटी, सिमिलरली शरद पवार। अब देखिए कि राजदीप जी ने, आई डोंट नो वेदर ही आज शरद पवार, जो उन्होंने बात बताई कि शरद पवार देश के सबसे भ्रष्ट नेता हैं, स्विस बैंक अकाउंट है, इनको जेल में होना चाहिए था, ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी। तो ये बात शरद पवार भुला कैसे रहे? उस टाइम पे तो ये भी याद है मुझे कि डेफिमेशन का बात हुई थी, एनसीपी ने कहा था कि डेफिमेशन का मुकदमा फाइल करेंगे, तो आज भुला दिया गया। तो इस पॉइंट पे राजदीप ने कहा कि शरद पवार ये है, कुणाल ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे से हैं, मगर मैं इस चीज को पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी कोई क्लियर इंडिकेशन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली ऑर्डिनेंस मुद्दे पे नहीं दे रही है, राहुल गांधी जैसे कुणाल कह रहे हैं उनको नहीं पसंद करते, उस समय पे बाहें खोल दी हैं शरद पवार ने, तो ये प्यार प्यार नहीं है केजरीवाल वाला, ये भी है कि कहीं कांग्रेस से प्यार और तकरार तो नहीं है। क्योंकि ऐसे समय पे जहां जिस मुद्दे पे कांग्रेस खुल के नहीं सामने आ सकती विपक्षी एकता में, वहां पे शरद पवार सामने आ रहे हैं, इस पॉइंट को मिस नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा जो आपने पॉइंट कहा कि यहां क्या वो है तरीका, तो क्या है कि अगर आप मैं अंबेडकर जी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्पीचेस हैं अगर आप उनको पढ़ लें, और 1991 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार ने सैंक्शन किया ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है दिल्ली के लिए, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक कैबिनेट का रोल तय किया और ट्रांसफर पोस्टिंग में, ट्रांसफर पोस्टिंग इन सब चीजों के लिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत उन्होंने एक बिल्कुल क्लियर एलजी का रोल तय किया। तो क्या उससे डेविएशन आज के कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ऑर्डिनेंस है उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अब अगर मैं आऊं शीला दीक्षित के मामले में, तो शीला दीक्षित के मामले में 2004 से 2013 तक शीला दीक्षित के दिल्ली में सत्ता में थी और यूपीए दिल्ली में केंद्र में सत्ता में था, सेंटर में था। शीला दीक्षित जो है वो बहुत बड़ी नेता थी साहब, वो चाहती हैं अपर केंद्र सरकार से कि ये जो डिलीनेशन का रोल का है वो करवा सकती थी, मगर ये कि ये फैक्ट कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर का एक तरह का सबऑर्डिनेशन होता है एलजी का, उन्होंने कभी इनसबॉर्डिनेशन क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको ये बात बताई गई थी और ये समझाई गई थी अहमद पटेल जैसे नेताओं के द्वारा कि ये जो लिबरल फेडरल स्पेस है दिल्ली की, जिसकी बात होती है आज भी बात हो रही है, ये कभी भी एनविजन नहीं की गई थी दिल्ली के लिए। दिस स्पेस ऑफ अ लिबरल फेडरल स्पेस जो है वो दिल्ली के लिए एनविजन नहीं की गई थी। तो क्या है कि उस समय पे कांग्रेस ने ये कानून चेंज क्यों नहीं किया? मैं ये थोड़ा सा वंडर करता हूं कि ये क्यों नहीं चेंज किया गया, अपनी चीफ मिनिस्टर के होते हुए भी कांग्रेस ने उनको सत्ता नहीं दी। तो आज की तारीख में जब नरसिम्हा राव ने ये पावर्स तय करी, शीला दीक्षित ने विरोध नहीं किया, मनमोहन सिंह ने शीला दीक्षित को सत्ता नहीं दी ऐसी, तो ऐसे समय में कांग्रेस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कैसे जाएगी? दिस विल रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एक बात मैं बताना चाहता हूं बहुत जरूरी इसमें, देखिए राजधर्म जो होता है, राजशाही जो होती है, राज चलाना जो होता है, वो टैक्ट का विषय है साहब। क्या है कि उसमें अपने आप को जब आप चीफ मिनिस्टर मानेंगे तब आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे। शीला दीक्षित को जितना मैंने देखा, शीला दीक्षित वॉज ट्रूली हैड डिसाइडेड दैट शी इज अ चीफ मिनिस्टर, वो नेता थी, उन्होंने ये सोच लिया था कि वो सबॉर्डिनेट नहीं है किसी के साथ। अब उनके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं कि आरएसएस जब बीजेपी सत्ता में थी दिल्ली में, तो उस समय पे दिल्ली के अफसरों का जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी वो झिंझोली में एक आरएसएस के कैंप में होती थी, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं थी, उसमें चिंतन शिविर वगैरह होते थे आरएसएस के। तो जब शीला दीक्षित जी आई तो इस बात को लेकर के ये हुआ कि साहब इस मामले को कैसे निपटाया जाए, क्या ये सही होगा गलत होगा। तो शीला दीक्षित जी इतने समझदार थे कि शीला दीक्षित ने अपने पीएस को बुला करके पूछा, आई थिंक पवन खेड़ा उसमें नोई गवर्नेंस,
कि उन्होंने कहा कि वो एस रघुनाथन जो थे उस समय के एजुकेशन सेक्रेटरी बीजेपी के समय के, उनको बुलाया जाए और उनको बुलाया जाए, उनसे बात करेंगे। तो लोगों ने उनसे आश्चर्य से देखा, शीला दीक्षित ने रघुनाथन को अपने दफ्तर के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया, जो अफसर चिन्हित था उस समय पे बीजेपी के समय पे, शीला दीक्षित इंडक्टेड हर हिम इनटू हर एज ए हर ऑफिस और उस सिचुएशन को हैंडल करने में उनको लगाया गया। उसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली में हंट हो रही थी फाइनेंस एंड पावर एंड फाइनेंस सेक्रेटरी की, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, कुणाल जानते हैं इस बात को कि एक बहुत पावरफुल सेक्रेटरी हुआ करता है। उस समय पे उनको एक अच्छा सेक्रेटरी चाहिए था और उस समय पे केंद्र से उन लोगों का, शीला दीक्षित का द्वंद्व चलता था। तो शीला दीक्षित ने एक ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया और अपने चीफ सेक्रेटरी को बोला कि साहब इनको बुलाइए। वो अफसर जो है वो पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में थे और उसके बाद वो बाहर की पोस्टिंग पे चले गए थे, तो प्राइवेट सेक्रेटरी थे पीएम, तो उनको बुलाया गया और शक्ति सिन्हा साहब को शीला दीक्षित ने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज का सेक्रेटरी बना दिया। तो क्या है कि वो जो फ्रिक्शन वाली बात होती है, जब जब पावर एंड फाइनेंस एंड पावर सेक्रेटरी शक्ति सिन्हा हो गए, तो जब सेंटर से डील करना होगा तो शक्ति सिन्हा डील करेंगे। तो वो शक्ति सिन्हा जो कि इतना समय पीएम के दफ्तर में अफसर रह चुका है, उसकी विपक्ष के होते हुए भी सरकार में थोड़ी पैठ होगी तो वो काम करवा लेता था। इसी तरह से उनके समय में चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने खुली छूट दे रखी थी कि आप एलजी के पास जाइए और एलजी से मीटिंग करिए और उनको इंडिपेंडेंटली ब्रीफ करिए। ब्रीफ करने से शीला दीक्षित को भी पता लगता था कि एलजी के दिमाग में क्या है, वो अगर कोई खुराफात करना चाहते हैं, विजय कपूर जैसे चीफ सेक्रेटरी एलजी थे समय पे बीजेपी। आपको विजय कपूर का नाम चूंकि लिया है राहुल जी ने, मैं बताऊं कि विजय कपूर एक तरीके से बीजेपी के अपॉइंटेड एलजी थे और विजय कपूर से बड़े अच्छे संबंध नहीं थे। शीला दीक्षित के जो हस्बैंड थे पंडित विनोद दीक्षित, वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे और विजय कपूर भी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे, तो उनके ब्यूरोक्रेटिक जान पहचान थी और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को शीला दीक्षित बहुत अच्छी तरीके से मैनेज इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें पता था कि ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में चल क्या रहा है। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि विजय कपूर साहब जब एलजी बने तो विजय कपूर साहब थे स्टीफेंस के पढ़े हुए और शीला दीक्षित थी मिरांडा हाउस की पढ़ी हुई, तो उन्होंने वहां पर अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जो एक्यूमेन है और जो वहां के संपर्क है वो स्टीफेंस कॉलेज और मिरांडा हाउस को उन्होंने मिलाया और वहां पर बहुत सलीके से काम निकाल लिया क्योंकि विजय कपूर को उस समय माना जाता था कि वो बीजेपी सरकार के बहुत ज़्यादा जो भी एजेंडा थे उसको पुश कर रहे थे, तो वहां पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ काम निकाला। तो दिल्ली में स्थितियां ऐसी रही हैं कि यहाँ पर अगर आप उपराज्यपाल और सीएम के बीच में एक वर्किंग रिलेशन नहीं होगा, उसके बाद बने बनवारी लाल जोशी, आपको मैं बता दूं उस समय शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले आ गए और बनवारी लाल जोशी थोड़े से ओल्ड टाइप ऑफ आप कहें ब्यूरोक्रेट थे, उन्हें लगा कि अगर मैं जाँच नहीं करवाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के मामलों की, तो उन्होंने जांच कर दिया। शीला दीक्षित बड़ी नाराज हुई कि इन्होंने तो मुझे संपर्क किया नहीं और मेरे खिलाफ जांच कर दिया। तो उसके बाद एक मीटिंग होती थी हर फ्राइडे को 4 बजे एलजी और सीएम के बीच में एक वीकली मीटिंग होती थी कि कोई भी इश्यूज हैं तो उसको बैठ करके सॉर्ट आउट करते थे। शीला दीक्षित ने उस मीटिंग में जाना बंद कर दिया। सिर्फ यही हुआ कि उन्होंने बातचीत बंद कर दी, जाना बंद कर दिया, उसकी जगह वो चीफ सेक्रेटरी भेज दिया करती थी, लेकिन कभी भी संबंध इस तरीके से नहीं हुआ कि तू तड़ाक वाली स्थिति आई। तो ये एक तरीके से ऐसा नहीं था कि पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था या सरकारें दोनों जगह एक ही पार्टी की थी तो बिल्कुल सुलह सफाई से चल रहा था, ऐसा नहीं था। चलता तो तब भी बहुत सारी कहानियां हैं। निखिल, इसमें मैं अपना पॉइंट खत्म कर दूं, बस एक छोटा सा मुझे और बताना है कि ये शीला दीक्षित की तरफ से नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस समय सेंटर और स्टेट में टकराव नहीं था या पावर टर्फ वॉर नहीं थी, टर्फ वॉर खूब थी। जब दिल्ली में मेट्रो ट्रेन बन रही थी तो मुझे एक मीटिंग याद है बहुत इंटरेस्टिंग। शीला दीक्षित को मेट्रो में परेशानी आ रही थी तो ई श्रीधरन जो मेट्रो के दिल्ली मेट्रो के हेड थे, उन्होंने शीला दीक्षित को जाके बताया कि मैडम बड़ी परेशानी आ रही है। परेशानी का सबब क्या था कि पूरे काम के लिए दिल्ली मेट्रो के लिए 105 तरह की क्लियरेंसेस चाहिए थी, 105 तरह की क्लियरेंस, ये है भारत की सरकार। तो उस समय पे 105 क्लियरेंसेस चाहिए होती थी, हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जाके फाइल फंस जाती थी। तो इसको लेकर के ई श्रीधरन परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं तो बहुत परेशान हूं, इस तरह से काम बहुत डिले हो जाएगा।
तो शीला दीक्षित ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर में फोन किया और फोन करके उनसे टाइम मांगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आप सब जानते हैं, तो टाइम उन्होंने तुरंत दिया, यानी प्रायोरिटी दे करके शीला दीक्षित को टाइम दिया। अब मैं बात की बात बता दूं, पहले एक लाइन कि जब शीला दीक्षित निकली तो हमने पूछा कि मैडम आपने क्या उनसे मांगा, तो कहा कुछ नहीं, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी, दद्दस। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शीला दीक्षित ने दद्दा कह के एड्रेस किया होगा अंदर भी, तो उन्होंने जाकर के ये बात बताई अटल बिहारी वाजपेयी को कि ये परेशानी है। तो जब वाजपेयी जी को पता लगा कि ये आ रही है, मेट्रो रेल का मामला है, तो एलके अडवाणी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे और डायरेक्टली दिल्ली का कंट्रोल उनके हाथ में था, पीएम ने उनको भी बुला लिया, उस मीटिंग में बैठे थे अडवाणी जी भी, और उस मीटिंग के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े दिल का डिस्प्ले करते हुए एक ऑर्डर दिया कि एक जीओएम बनाई जाएगी और उस जीओएम के अंदर एलके अडवाणी मुखिया होंगे, उसके अंदर ईश श्रीधरन होंगे और जो जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है जिसकी क्लियरेंस फंसी पड़ी है वो डिपार्टमेंट के लोग हुआ करेंगे। ये ताकीद की गई कि हर फ्राइडे या सैटरडे को ये जीओएम जरूर मिला करेगी। सो दिस इज हाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे डिस्पाइट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू आर्म्स वो मुलाकात कर गए। शीला दीक्षित की मुझे यानी कुछ बातें अजीब सी थी। शीला दीक्षित, अगर कुणाल को याद हो तो शीला दीक्षित बहुत सारे अफसरों को बेटा करके बुलाती थी, यानी वो अजीब सा एक रोल था उनका, शी यूज्ड टू बी कि वो ऑफिसर्स को बेटा कह के जब बुला देती थी वो इतना डिसार्मिंग होता था लोगों के लिए कि चीफ मिनिस्टर बेटा कह के बुला रही है तो क्या है, काम असल आसान हो जाते थे रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कोई ऑफिसर किसका लॉयल है, वो काम कराने का तरीका बहुत अलग था लोगों का। जब रिक्वेस्ट करती थी तो बेटा कहती थी और जब गुस्साती थी तो कहती थी अरे भैया ये क्या कर रहे हो। सर जैसे हमने काफ़ी समय शीला दीक्षित पे बताया और उन्हीं के उदाहरण से आप लोगों ने, राहुल जी ने, आपने इस बात को आगे रखने की कोशिश की कि नहीं काम कराने के तरीके भी होते हैं। मतलब ये ऑर्डिनेंस वाली बहस तो चली रही है, इससे इतर आप कह रहे हैं कि अगर आपका पॉलिटिकल इक्विपमेंट उस तरह का हो और अगर आप उस तरह से डील कर पाएं लोगों से। अरविंद केजरीवाल, आप देख रहे हैं जब से वो टेन्योर उनका चल रहा है, आप दिल्ली ही कवर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ मतलब उनसे वो गुंजाइश रह जा रही है, कहाँ उनका प्रयास वो अधूरा रह जा रहा है कि वो, और वो खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं जबकि। देखिए शुरुआत हुई थी और मुझे याद है जब शुरुआत हुई थी तो वो रहते थे वसुंधरा में, कौशाम्बी में, माफ़ कीजिएगा, कौशाम्बी में रहते थे और कौशाम्बी में जैसे ही पहली बार ये बात हुई कि 49 दिन की सरकार बनेगी और कांग्रेस ने समर्थन देने की भी बात कर दी तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स अचानक दिल्ली से कौशाम्बी पहुँचने लगे और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ कि मैंने देखा कि कई सारे लोग जो उनको चीफ सेक्रेटरी बनना था वो सब वहाँ पर पास में वहाँ पर नंबर लगा के खड़े हो गए। और उस समय राजेंद्र कुमार, जिनके दफ्तर पे बाद में छापा भी पड़ा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अरविंद केजरीवाल सरकार के समय में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, तो उन्होंने उनको भी बुलाया गया और वो बहुत सारी चीज़ें, वो एक सुलझे हुए ब्यूरोक्रेट हैं तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें उनको समझाई। लेकिन एक तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो काम करने का स्टाइल है वो शीला दीक्षित से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें मैं पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को ये नहीं कहूंगा कि उनका तौर तरीका गलत है, बल्कि उनका जो काम करने का स्टाइल है वो ज़्यादा एग्रेसिव है और एग्रेसिवली वो अपने जो एजेंडा को है उसको पुश करते हैं, वो उसमें डिले नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कई बार ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी तरीके से आपके पीछे खड़ी नहीं होती है, कई बार वो बहाने भी बनाती है, वहीं से ये जो संवाद है वो संवादहीनता की स्थिति थोड़ी सी शुरू हुई और उसके बाद लगातार जो चीज़ें हैं वो बिगड़ती चली गईं और बिगड़ती इसलिए गईं कि 2015 में मुझे याद है शकुंतला गैमलिन थी जिनको बनाना था, जब चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पे जा रहे थे तो वो कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बन रही थी, उस समय से बात हुआ, उन्हें भरे भरे मंच से वहाँ पर ऑटो वालों का एक की रैली चल रही थी वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस तरीके से है, तो चीफ सेक्रेटरी को पहली बार कोई पॉलिटिशियन इस तरीके से भरे मंच से कुछ बोल रहा था, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के मन में बढ़ती चली जा रही थी। आपको मैं बताऊं कि एक अनिंदो मजुमदार थे, उस समय वो जीएडी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उस समय बिल्कुल वो, आज तक मैंने जितने ब्यूरोक्रेट से मुलाकात की है उसमें सबसे शरीफ ब्यूरोक्रेट्स में थे वो अनिंदो मजुमदार,
और उनके ऑफिस को सील कर दिया, बंद कर दिया, उनके हिसाब से नहीं किया, उनके ऑफिस को। उन्होंने मुझे फोन किया कि कुणाल मैं तो अपने ऑफिस के बाहर बैठा हूं और मेरा जो ऑफिस है उसमें ताला बंद कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे भरोसा नहीं हुआ। 2015 की बात है, मुझे बिल्कुल नहीं यकीन हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कहा कि आप क्या वाकई बाहर बैठे हुए हैं? हाँ हाँ, मैं अपने क्लर्क के रूम में बैठा हूँ और वहीं पे मैं पीएस के रूम में बैठा हूँ और वहां से मैं आपको फोन कर रहा हूँ। तो ये स्थिति हो गई। और उसी के कंटेक्स्ट में 2015 में जब स्थितियां इतनी गंभीर हुई तो केंद्र का नोटिफिकेशन आता है 21 मई 2015 का, जिसमें जो ये सर्विसेज वाला नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन आया। और तब से ये जो लड़ाई चल रही है वो कोर्ट्स में, अदालत में चल रही है। 2016 में हाई कोर्ट, 2018 में सुप्रीम कोर्ट, फिर 2020 में फिर सुप्रीम कोर्ट, और अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला। तो ये जो चीजें हैं ये कभी रही ही नहीं, सामान्य नहीं रही। और ब्यूरोक्रेसी और अरविंद केजरीवाल के बीच जो दूरियां हैं, वो जो खाई है, वो बढ़ती चली गई। राहुल जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। जैसे हमने अभी बात की कि चीफ मिनिस्टर्स ने पिछले का उदाहरण मिला, ये जो करंट चीफ मिनिस्टर उनका उदाहरण मिला कि इनकी डीलिंग कैसे थी, और उसमें एक मतलब उसमें एक फुटनोट की तरह आया कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह उनको अकोमोडेट किया। क्योंकि इस बहस का दूसरा सिरा सेंटर है, जो मौजूदा केंद्र सरकार है, उनके बिहेवियर में कोई चेंज देखते हैं आप? मतलब एक हम चीफ मिनिस्टर को तो एक तरह से इंडाइक किया गया है कि उन्होंने मतलब बहुत जिसको क्या कहते हैं, बहुत सही तरीके से डील नहीं किया, ये अब तक के इस्टैब्लिश हो रहा है इस बातचीत में। क्या सेंटर की तरफ से भी इस तरह की कोई बात थी? देखिए निखिल, क्या है कि पुराने समय में रंजिशें भी हुआ करती थी, मगर लोग कांच की चूड़ियां पहन के दुश्मनी करते थे कि रोज चूड़ती नहीं दिखती थी, वो चूड़ियां उतार दी गई साहब। अब क्या है कि ये क्लैरिटी है कि अब अगर सरकार मेरी नहीं तो उतना आसान नहीं होगा किसी का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। आप देखिए कि कितने राज्य ऐसे हैं जहां सरकारें खा ली गई, यानी जो इलेक्टेड सरकारें थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये आप देखिए कि पुराने टाइम में भी ऐसा हुआ कि तमाम बार 356 करके सरकारें गिरा दी गईं। क्या है कि वो जो पक्ष और विपक्ष का जो एक लिहाज का रिश्ता था, वो लिहाज के रिश्ते खत्म हो गए हैं। क्या है कि अब किस मुद्दे पे मैं कहां विरोध करूंगा, वो खत्म हो गया है। तो क्या है कि सरकारों का जो फेडरल सिस्टम है, और इसको इसका डिक्लाइन जो है वो बहुत फॉर्म्स में दिख रहा है। एक तरफ आप देखते हैं कि सीबीआई जो है वो ऑपोजिशन के नेताओं पे ईडी ज्यादा एग्रेसिव, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि सीबीआई जब जाती है तो द प्लेजर हैज बीन विड्रॉन, सरकारों ने सीबीआई को परमिशन विड्रॉ कर ली है। ये आपको कब दिखा पहले ऐसा? सीबीआई पहले भी होती थी, मिसयूज खूब होती थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं होता था कि विपक्ष की सरकारें विड्रॉ कर ले या इस इंटेंसिटी से विपक्ष को चेज किया जाए। यह भी बदल गया। आप देखिए कि जीएसटी का मामला देखिए, अगर तो उसके अंदर रोज आपको झगड़ा सुनाई देता है कि मेरे पैसे नहीं दे रहे, केंद्र कहता है कि हमने पैसे दे दिए, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसके बाद पेट्रोल और डीजल पे सब बैठ करके इकट्ठे बात नहीं कर लेते हैं। एक कहता है कि केंद्र एक्साइज ज्यादा लेता है इसलिए कीमतें बहुत ज्यादा है, और एक कहता है कि स्टेट ज्यादा टैक्सेस ले रही हैं, उनसे कहिए जाकर के कम करें। ये एक ब्रेकडाउन है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैट्रिक्स जो होता है जिसके अंदर समन्वय की जो तार होते हैं उनको रेगुलरली काटा जा रहा है निखिल। ये इस देश के लिए एक परेशानी का सबब बनने वाला है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर चलेगा तो कल सवाल डिफेंस के उठेंगे, क्योंकि अगर आप फाइनेंस को उठा रहे हैं तो डिफेंस के उठेंगे, डिप्लोमेटिक टाइज के उठेंगे, तमाम चीजों के जो एनविजनिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसको आप रोज तार तार कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सर्टेनली सेंटर जो है वो बहुत एग्रेसिव है आज की तारीख में। इट्स एन एक्सट्रीमली एग्रेसिव सेंटर, जहां पे अगर आप, मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप इस बात को देख लें कि सेंटर में और ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में जो झगड़ा है, अगर आप इसको दरकिनार कर लें तो बीजेपी और उसके जो सहयोगी हैं एनडीए में, आप देखिए कि वो कैसे बिगड़ते चले गए हैं।
शिवसेना और बीजेपी टूट गए, अकाली और बीजेपी टूट गए, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की आदत खराब है। तो आप देखिए कि इस समय पे एनडीए का स्वरूप जो है वो बीजेपी इतना बड़ा और उसके बाद वो एक एक दो दो चार चार पार्टियों की जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, और अगर आप देखिए तो सहयोग के नाम पे राज्यसभा जैसी बड़े दल है, आप देखिए एक या दो की पार्टी, तो यानी पार्टी टू पार्टी डिफरेंसेस हो गए, चाहे वो एक कोलिशन का हिस्सा हो। तो जब पार्टी टू पार्टी विद इन अ कोलिशन अब नहीं पट रही लोगों की, आप एनसीपी अलायंस पार्टनर हो लेकिन एनसीपी किसी मुद्दे पर कुछ बोल देती है, शरद पवार के ये अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस दरवाजे खोल नहीं रही है, कुंडी बिचारे खटखटा रहे हैं और उधर शरद पवार लाल कारपेट बिछा रहे हैं। तो आप देखिए कि विद इन कोलिशन भी ब्रेकडाउन है। तो ये जो आई थिंक ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म एंड विन एट ऑल कॉस्ट आ गया है पॉलिटिक्स का, और उसमें ग्रेस का मादा खत्म हो गया है, यानी जो पॉलिटिकल ग्रेसेस होती थी। यानी बताया ना कि नरसिम्हा राव पे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत तीक्ष्ण टिप्पणी करी हाउस के अंदर, बहुत तीक्ष्ण थी, और कहते हैं कि नरसिम्हा राव काफी आहत हुए और वो थोड़ी देर बाद उठ करके हाउस से चले गए। उस शाम को अटल बिहारी वाजपेयी नरसिम्हा राव के घर चले गए थे और जाके माफी मांगी थी कि साहब मेरा आशय पॉलिटिकल था, पर्सनल नहीं था। ये जो इस लेवल की एक जो नाइसिटीज एग्जिस्ट करती थी वो पॉलिटिक्स से डिसअपीयर हो गई है। अब इसमें हम कहेंगे व्हाट अबाउट री है, मैं कहूंगा कि ये जो प्रथाएं खत्म होती है ना, ये दीवार नहीं ढाई जाती बर्लिन वॉल की तरह से, ये रोज रोज एक एक ईंट तोड़ी जाती है, और ये एक एक ईंट तोड़ करके ये जो लिहाज का मखमल था ये फाड़ दिया गया। ठीक है, एक सिस्टमिक बात राहुल जी कह रहे हैं, आप एक 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 हम अंतिम टिप्पणी कुणाल जी आपसे भी जाते हैं कि आप किस तरह से चीज़ें देख रहे हैं दिल्ली में, क्या कोई डीएस्केलेशन रैंप भी एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसा हम कल्पना भी कर सकते हैं कभी ऐसी स्थिति की जैसी अभी चीज़ें चल रही हैं जिसमें ये चीज़ जाकर के कहीं एक स्टेबिलिटी को पा ले कि इस तरह से हम दो लोग जो नहीं भी पसंद करते हैं एक दूसरे को, आपकी समझ में जितना आपने रीड किया है दोनों पक्षों, स्थिति ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। राइट, और जब मैं दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहा हूं तो केंद्र सरकार भी सवालों के घेरे में उतनी ही ज्यादा है। आज जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना साहब, पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जिसका कोई ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड नहीं है वो आज उपराज्यपाल है, और उसके पास कई बार साफ तौर पर कहा जाता है कि उनको पॉलिटिकल सीधे सीधे डायरेक्शंस हैं। तो ये भी स्थिति पहले कभी नहीं रही थी, और इसमें केंद्र का भी बहुत बड़ा रोल है कि किसको उपराज्यपाल लेकर के आती है। तो ऐसी भी स्थिति बनी। उसके बाद लगातार अगर आप किसी भी चुनी हुई सरकार को, जो स्पिरिट था 11 मई के फैसले का सुप्रीम कोर्ट का, वो यही था कि चुनी हुई सरकार अगर आती है उसको अपनी नीतियां बनाने का, अपने हिसाब से बनाने का उसके पास पूरा अधिकार है। अगर आप उससे वही अधिकार छीन रहे हो, आप कह रहे हो क्या कि अधिकारी आपके अंतर्गत काम नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर आप उससे वो पावर छीन रहे हो, फिर वो सुनेगा क्यों सुनेगा। और उस फैसले के बावजूद आप हारने को तैयार नहीं हो, आप 19 तारीख को एक नया अध्यादेश ला देते हो 8 दिनों के अंदर में। दो चीजें हुई, एक तो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी केंद्र ने, हो सकता था कि पुनर्विचार याचिका से काम चल जाता, वहां सुप्रीम कोर्ट हो सकता था कि अपने फैसले को फिर पुनर्विचार करता और स्थितियां बदल जाती, लेकिन ये अध्यादेश भी लाया, यानी दो तरीके से काम किया कि एक अध्यादेश हम ला करके इमीडिएट उस पर कर्ब करेंगे कि 8 दिन या 9 दिन भी काम हम साथ मिलकर के नहीं कर सकते। तो जो अब कह रहे हैं कि डीएस्केलेशन, ये डीएस्केलेशन करेगा कौन, क्या ये अरविंद केजरीवाल पर ओनस है या बड़ी सरकार जो है वो केंद्र सरकार है, क्या वहां केंद्र सरकार से ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी बहुत विश्व नेता हैं और बहुत सारी चीजें हैं, क्या ये जिस राजधानी में, राष्ट्रीय राजधानी की हम बात करते हैं, दिल्ली के व्यवस्था की बात करते हैं, क्या वो डीएस्केलेशन ड्राइव वहां से नहीं आना चाहिए, क्या वहां से एक इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, प्रधानमंत्री कहें कि अरविंद केजरीवाल को मैं बुला करके बात करना चाहता हूं और उनसे ये चीजें खत्म करना चाहता हूं, तो शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इनिशिएटिव दोनों तरफ से नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले अगले कुछ दिनों में, अगले एक साल में तो चुनाव भी हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई हमें माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब चीजें इसी तरह निखिल, मैं एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाहूंगा प्लीज सर, कि इसमें जो मिस हो गई, मैं आने वाले दिनों में कांग्रेस का रोल देखना चाहूंगा, कांग्रेस क्या करती है।
क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार को बीजेपी का केंद्र सरकार जो है लगातार एक सेंस ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है। कांग्रेस इसमें, अगर कांग्रेस इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं आती है और तटस्थ होके अलग एक स्टैंड देती है, न्यूट्रल स्टैंड, तो कहीं ना कहीं एक बात साफ हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कांग्रेस को गुजरात जैसे राज्यों में डेंट किया है, कांग्रेस दिल्ली में वापसी की एक उम्मीद देख रही है अरविंद केजरीवाल की परेशानी को देख करके। आई थिंक इट विल बी अ वेरी क्रूशियल थिंग कि कांग्रेस किस रास्ते जाती है इस मामले में। ठीक है, इसी नोट पे नेता नगरी के इस सत्र को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। दिल्ली में जो सारी चीज़ें चल रही हैं उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और नियमित रूप से आप उस पर नेता नगरी में चर्चा भी होते हुए देखते रहेंगे।